हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज, जहां आपका होता है फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं, और साथ ही वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी फिल्मों से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। फिलहाल वो फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनकी बहुचर्चित फिल्म राम सेतु की शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है। फिल्म के नए शेड्यूल को खुली जगह पर शूट किया जाना है, जिसके चलते निर्माता मानसून के बाद ही फिल्म की शूटिंग को शुरू करना चाहते हैं। खबरों की माने तो फिल्म के निर्माण के लिए निर्माता एक शेड्यूल के लिए श्रीलंका जा सकते हैं, मगर श्रीलंका में 15 दिनों का क्वारंटाइन परेशानी बन सकता है। किसी भी अभिनेता के लिए बिना काम के आइसोलेशन में रहना एक चुनौतीपूर्ण काम है। वहीं सूत्रों की माने तो अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग को जल्द ही शुरू हो सकता है। वहीं क्वारंटाइन से बचने के लिए फिल्म को खुली जगह पर शूट किया जा सकता है, जिसको श्रीलंका का लुक दिया जाएगा। बता दें कि फिल्म की शूटिंग को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजा अर्चना के बाद शुरू किया जा सकता है, मगर अभिनेता अक्षय कुमार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद फिल्म की शूटिंग के काम को रोक दिया गया था। इसके बाद फिल्म के 45 जूनियर स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं अप्रैल में महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषणा के बाद फिल्म के सेट को तोड़ दिया गया था। तो इस पर आपकी जो भी राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।